अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी ठीक होंगे। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूं और आपको बताने वाली हूं कि बटर स्कॉच केक हम कैसे घर पे बना सकते हैं। तो बहुत इजी है, इसके लिए हमें एक चाहिए वनीला, सिंपल वनीला स्पंज केक, और साथ में हमें बटर स्कॉच सॉस चाहिए, बटर स्कॉच हमें क्रंच चाहिए, और साथ में हमें एक चाहिए मिक्स फ्रूट टिन और कंडेंस मिल्क हमें ले लिया, उसमें थोड़ा सा हमने पानी मिक्स कर दिया था अपने स्पंज केक को सॉक करने के लिए। और एक टिप मैं आपको बता दूं कि आप स्पंज बनाएं, एक दिन पहले बना के इसको फ्रिज में रख दें तो आपका ये केक बहुत अच्छा रेडी होगा। जो आप क्रीम लगाते हैं, जो उसकी आप डेकोरेशन करते हैं, वो बहुत अच्छी सेट हो जाती है। तो अब हम करेंगे विप क्रीम यूज़ करेंगे। तो इसमें मैंने थोड़ा सा बटर स्कॉच सॉस को ऐड किया है। जो मेरे पास विप क्रीम थी ये इतनी मीठी नहीं थी, तो इसके अंदर थोड़ा सा मैंने फ्लेवर दे दिया बटर स्कॉच का, और ऊपर भी हम थोड़ी सी डाल देंगे सॉस। तो बटर स्कॉच वाला केक है तो फ्लेवर तो आना चाहिए। ये देखिए, हमने ऊपर भी थोड़ी सी बटर स्कॉच सॉस डाल दी, और ऊपर डाल देंगे हम अपने फ्रूट जो आपके पास हो अवेलेबल। मेरे पास यही था अवेलेबल तो मैंने यही डाल दिया, पाइनएप्पल। तो मिक्स फ्रूट हो तो ज़्यादा बेटर, और यहाँ पे आप चंक्स डाल सकते हैं बटर स्कॉच के, लेकिन मैं डालना भूल गई थी। और साथ में फिर हमने ऊपर दूसरा रख दिया अपना केक, इसको भी हम कर लेंगे कंडेंस मिल्क और पानी मिक्स जो हमने बना के रखा था इसके लिए, सो कर देंगे। और फिर ऊपर हम अपनी सारी डेकोरेशन कर देंगे, क्रीम से कवर कर देंगे। तो आप देखते जाइए स्टेप बाय स्टेप किस तरह ये हमारा केक रेडी होता है। जी तो ये देखिए हमारा केक हो चुका है बिल्कुल रेडी, और इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने डाल दिया था बटर स्कॉच चंक्स, और साइडों पे भी मैंने लगा दिया था इनको, और ये बहुत प्यारा सा हमारा मज़ेदार सा केक हो चुका है रेडी। इसको आप फ्रिज में रखें, ठंडा करके खाएं, और बहुत नरम और अच्छा फ्लेवर से ये हमारा हो चुका था रेडी बटर स्कॉच के साथ। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत ईजी है, आप ये सारी चीज़ें पहले रेडी करके रख लें, और एक दिन जिस दिन आपने बनाना हो और आप बनाएं और इन्जॉय करें, और मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अन्नू,
happy birthday to you. तुम जियो हजारों साल अनमोल. ये केक आपके लिए मेरी जान. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.